ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसे मैं आप लोगों के लिए वापस से लेने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेन 2020 के मैथ्स के सेक्शन के। मैं क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा इसमें मजा आएगा आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख के। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप 2021 के क्वेश्चंस लीजिए, क्योंकि 2021 में दो पेपर हो चुके हैं, दो पेपर बाकी है। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं, 2021 के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है। सारे नहीं लिए हैं बट बहुत सारे ले चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर में आपको दिख जाएगा, क्योंकि 3 महीने हो चुके एग्जाम को हुए हुए, तो मैंने उसी टाइम ले लिए थे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आपको वीडियोस पुराने 3-4 महीने पुराने वीडियोस में 2021 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस वीडियो को देखते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। थोड़ी सी लंबी वीडियो ये हो सकती है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वैल्यू प्रोवाइड करेगी। बाकी तो बस यही बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं जेईई मेन 2020 के। बहुत खतरनाक यहाँ पर ट्रिक्स लगने वाला है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ये हमारे पास में है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अब दोनों क्वेश्चन आपको देख के लग रहे होंगे कि यार इसमें ट्रिक कैसे लगेगा, लेकिन जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को इतना मज़ा आएगा, आप लोगों की खुशी का जो ठिकाना है वही नहीं रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हल्का मजा आएगा, सेकंड में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि धीरे धीरे हम लोग मोमेंटम जो है गेन करें, ठीक है। अब देखो यहां पर हमको बोल रहा है अल्फा बीटा रूट से इस इक्वेशन के, किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के 7x स्क्वायर है ना -3x -2 = 0, ये एक इक्वेशन है, इसके जो रूट से ही हमारे पास में क्या है अल्फा और बीटा, ठीक है। अब एक तो होता है एक्चुअल तरीका मैथमेटिक्स, जिससे आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता तो फिर ये ट्रिक देख लो कैसे करोगे। देखो आपको श्रीधर आचार्य पता है ना, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, ये श्रीधर आचार्य तो आपको पता ही होगा। तो श्रीधर आचार्य को अप्लाई करो और यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करो, तो यहाँ पर -b हो जाएगा कितना 3, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर -4ac मतलब कि 9 है ना, -4, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -2 और डिवाइड होगा 2a के साथ में मतलब कि 14 के साथ में। अब ये कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 7 फोर जा 28, 28 इंटू 2 हो जाएगा 56, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये डिवाइड हो जाएगा 14 के साथ में, तो ये कितना आएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 56 प्लस 9 हो जाएगा 65 और ये डिवाइड हो जाएगा 14 के साथ में, राइट। अब रूट 65 को 8 बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि रूट 64 8 होता है, तो इसको हम बोल देते हैं 3 प्लस माइनस 8 अपॉन 14, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इससे दो वैल्यू निकलेगी, एक वैल्यू निकलेगी प्लस साइन के साथ में मतलब कि 11/14 और दूसरी वैल्यू निकलेगी माइनस साइन के साथ में मतलब कि -5/14। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ये दोनों हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकल गई, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, देखो मजेदार ट्रिक है, लेट अल्फा इक्वल टू दिस, लेट बीटा इक्वल टू दिस, तो आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो ना, राइट। अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो अल्फा आएगा 11/14, ठीक है, और फिर डिवाइड लगाओगे आप 1 - α² के साथ में मतलब कि 1 - α² मतलब कि 11/14 का स्क्वायर मतलब 121/196, ठीक है। फिर प्लस करोगे, बीटा डालोगे -5/14 और डिवाइड करोगे 1 - β² मतलब 1 - 25/196 के साथ, ठीक है। अब एलसीएम ले लोगे तो, अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 196 और यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ भी आएगा 196, राइट। अब 14 और 196 कटेगा तो यहाँ आएगा 14 1s और यहाँ आएगा 14 14s, यहाँ आएगा 14 1s और यहाँ आएगा 14 14s, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 11/1 × ये उल्टा घूम जाएगा 14/196 - 121, इसको देख लो कितना होता है 196 - 121, ये आपका आएगा 5 और 7 75 आ रहा है भैया, तो ये आ जाएगा 75। फिर प्लस यहाँ पर आएगा आपका -5/1 × ये उल्टा हो जाएगा तो 14/196 - 25, तो 196 - 25 कितना आएगा, ये आएगा आपके पास में 71, ठीक है ना, ये आ रहा है 171, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 171।
तो ये कितनी हो गई, 11 into 14, ये हो जाएगा 154, और ये डिवाइड कर लोगे आप 75 के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 14 into 5 हो जाएगा 70, और ये आ जाएगा 171, करेक्ट हो गया। अब मेरी बात समझना, 154 by 75 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, 2, अप्रॉक्स वैल्यू 2 होगी, है ना, 2 पॉइंट समथिंग। और 70 upon 171 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, 0.5, है ना, 0.5 से थोड़ी छोटी होगी इनफैक्ट, क्योंकि अगर 70 by 140 होता तो 0.5 आता, डिनोमिनेटर 140 से थोड़ा बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू 0.5 से थोड़ी सी छोटी आएगी, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स में डील कर रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिला के 2 minus 0.5, मतलब कि 1.5। तो अप्रॉक्स वैल्यू देखो, हमने कहाँ का अप्रॉक्स लिया, हमने रूट 65 में अप्रॉक्स लिया, राइट, और हमने यहाँ पे लास्ट में जाके थोड़ा सा अप्रॉक्स लिया, लेकिन ये जो अप्रॉक्सीमेशंस है ना, ये बहुत छोटे छोटे अप्रॉक्सीमेशंस है जिसका कोई बड़ा खास रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, राइट। अब आप ऑप्शंस देख लो, 27 by 32, ये तो 1 से छोटा है, काट दो इसको, है ना। 1 by 24 बहुत छोटा है, काट दो इसको, है ना। 3 by 8 1 से छोटा है, काट दो इसको। 27 by 16 ये क्या है, 1.5 के आसपास है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई। तो हमने क्या करा, अल्फा और बीटा को वैल्यूज निकाल लिया, अल्फा बीटा की अप्रॉक्स वैल्यूज, और उसी से सॉल्व कर लिया, और ऑप्शंस में भी देख लिया क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सोचो जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ रहे थे वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, टाइम तो उतना ही लगेगा ना सॉल्व करने में, 2-3 मिनट ही लगेगा, आप मैथमेटिक्स से करो चाहे ऐसे करो, है ना, इसमें हो सकता है 1 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन यार मार्क्स तो मिल रहे हैं ना आपको फ्री के, ठीक है, आप क्वेश्चन छोड़ रहे थे उससे बढ़िया मार्क्स मिल गए, है ना। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि यार भैया ने तो 5 मिनट लगाया सॉल्व करने में, भैया ने 5 मिनट इसलिए लगाया क्योंकि भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, भैया बकवास कर रहे हैं, ये सब बकवास आपको नहीं बोलना ना एग्जाम के टाइम में, आपको तो फटफट करना है सॉल्व, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, पिछला क्वेश्चन का ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वाला क्वेश्चन का ट्रिक आपको अच्छा इंटू 100 लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में हमको L की वैल्यू दी, M की वैल्यू दी, और ऑप्शंस में से भी हमको L और M की वैल्यू ही चेकआउट करनी है, एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना है करो यार, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कई बार बोल चुका हूँ ट्रिक आपको तब लगाना है जब आपको एक्चुअल तरीके से नहीं आ रहा होगा तब लगाना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, कुछ कुछ टर्म्स ना यहाँ पर बार बार आ रहे हैं तो उसको पहले साइड कर लो, जैसे कि पाई बाई सिक्सटीन बार बार आएगा, तो पाई बाई सिक्सटीन मतलब 180 by 16, है ना, तो इसको मैं रफली 11 degree बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पाई बाई 8 भी आएगा बार बार, तो पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, 180 by 8, तो ऑब्वियसली ये डबल हो जाएगा, 22 degree हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी आएगा, साइन पाई बाई 6 भी आएगा, है ना, साइन पाई बाई 16, डैट मीन्स साइन 11 degree आएगा बार बार। अब साइन 11 degree क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, है ना, तो साइन 11 डिग्री बहुत छोटी वैल्यू होगी, है ना, इट विल बी लाइक 0.1 के आसपास, ठीक है, 0.1 के आसपास, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, कॉस भी लेना पड़ेगा, सॉरी साइन पाई बाई 8 लो पहले, साइन पाई बाई 8, तो साइन पाई बाई 8 की भी जरूरत पड़ेगी, साइन पाई बाई 8 मतलब कि साइन 22 degrees, है ना। अब साइन 22 degrees मतलब क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 और साइन 0 होता है 0, साइन 30 से थोड़ा कम है साइन 22, तो 0.5 से थोड़ा कम ले लो, 0.3 ले लो, ठीक है, 0.3 ले लो, ये सब अप्रॉक्स वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 0.3 होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, यहां पे भी जरूरी नहीं है 0.1 एग्जैक्ट होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा ही आगे पीछे होगा, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आई। अच्छा, डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये जो हम लोग तरीका अप्लाई कर रहे हैं ना, इसमें गलतियां हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% सब सही होगा, आप हल्का सा भी वैल्यू कुछ गड़बड़ लोगे ना आपका आंसर उलट पुलट हो जाएगा, तो इट इज नॉट 100% प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर सही होगा, लेकिन हाँ इट इज 70-80% प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर सही हो जाएगा। कंडीशन ये कि आप बहुत अवेयर होकर सारी वैल्यूज लो, हल्का सा भी आप 0.3 को अगर आप ज्यादा ले लिए, बहुत ज्यादा ले लिए, 0.5 ले लिए या 0.1 ले लिए, मतलब थोड़ा बहुत चलता है लेकिन ज्यादा इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में यह कॉस पाई बाई 16 को भी देख लो, कॉस पाई बाई 16 को भी देख लो। अब कॉस पाई बाई 16 कितना होगा, कॉस पाई बाई 16 मतलब कि कॉस ये हो गया हमारा 11 डिग्री, है ना। अब मेरी बात समझो, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 मतलब क्या हुआ, 1.7/2, 1.7/2 मतलब 0.85, तो कॉस 0 1 है और कॉस 30 0.85 है, इसका मतलब कॉस 11 0.9 के आसपास होगा, तो हम इसको क्या करते हैं 0.9 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। क्या आपको बात समझ में आ गई।
ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा और क्या चाहिए हमको, ऑप्शन में देखो cos पाई बाई 8 भी आपके पास में, तो cos पाई बाई 8 को भी निकाल के रख लो। cos पाई बाई 8 का मतलब है cos 22 डिग्री। अब मेरे को एक बात बताओ, cos 22 डिग्री भी 0.9 के आसपास ही होगा ना, क्यों आसपास होगा, क्योंकि cos 30 की वैल्यू 0.85 है और cos 22 0.85 से थोड़ा बड़ा होगा, है ना, तो ये भी 0.9 के आसपास होगा। मतलब हालांकि cos 11 बड़ा होगा cos 22 से, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं है, दोनों ही 0.9 के आसपास है। ये हो सकता है 0.95 के आसपास हो और ये हो सकता है 0.9 के आसपास हो, थोड़ा सा गैप है, लेकिन हम लोग अप्रोक्स में 0.9 ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि cos 01 होता है और cos 11 cos 22 ये सब 0.9 के आसपास है, क्योंकि cos 30 की वैल्यू 0.85 है, cos 30 √3/2 1.7/2 0.85, राइट, तो ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली 0.9 हम ले सकते हैं, राइट। अच्छा कुछ और भी टर्म्स है जो बार बार आ रहे हैं, जैसे कि ये आ रहा है बार बार 1/2 √2, तो इसको भी देख लो 1/2 √2 को, ये कितना हो जाएगा 1/√2 मतलब 1.4, 1.4 इंटू 2 मतलब कि 2.8, तो ये हो गया हमारे पास में 10/28, है ना, तो ये हो गया हमारे पास में 5/14, तो 5/14 क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 1/3 ले ले इसको, 0.3 के आसपास ले लेते इसको, है ना, क्योंकि 5/15 होता तो 1/3 होता, क्या आपको बात समझ में आ रही है। 5/14 इसको आप करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप लिखोगे इस तरीके से 0, है ना, 14 3 = 42 आएगा, फिर 8 0 14 5 = 70 आएगा, तो 0.35 के आसपास है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, 0.35 के आसपास है, तो आप इसको 0.35 मान लो चाहे 0.3 मान लो, जो आपकी इच्छा है आप मान लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा फिर एक वैल्यू और है 1/4 √2, तो 1/4 √2 क्या है, इसका डबल है ना, सॉरी इसका हाफ, इसका भी हाफ है 1/4 √2, है ना, इसका हाफ है, तो अगर इसको हम ले रहे हैं लेट से 0.3, तो इसके आधे को हम क्या लेंगे 0.15, क्या आपको बात समझ में आ गई। ये सब अप्रोक्सीमेटली हमने वैल्यूज को ले ली है, ठीक है। अब हमारा क्या है अटैक, अब हमको इन वैल्यूज को पुट करना है, हमको आंसर फटाफट मिल जाएगा। देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 16, साइन पाई बाई 16 यहां पर है, इसका स्क्वायर करेंगे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 0.01, है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हमको मिलेगा 0.01। फिर साइन पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.3 का स्क्वायर मतलब कि 0.09, तो ये माइनस में आ जाएगा 0.09, तो ये कुल मिला के क्या बनेगा 0.08 बनेगा माइनस के साथ में, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये बनेगा -0.09। तो एल की वैल्यू क्या बनी, एल की वैल्यू क्या बनी, L की वैल्यू हमारी बनी, यहां पर लिख देता हूं -0.08 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स वैल्यूज है, क्या आपको बात समझ में आई। अब फटाफट से ऑप्शंस में भी देख सकते हैं L की वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा -1/2 √2 मतलब कि -0.3, है ना, -0.3 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, या फिर आप 0.5 भी ले सकते हो 0.35 प्लस 1/2 cos pi by 8, cos pi by 8 कितना है, cos pi by 8 0.9 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.9 अप्रोक्सीमेटली, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा देखना ध्यान से, ये आएगा -0.35 और ये आएगा प्लस में 0.45, क्या आपको बात समझ में आया, 9/2 = 4.5 0.45, तो ये -0.35 प्लस 0.45 ये कितना आ गया, पॉजिटिव में आया 0. something आएगा 0.1, है ना, पॉजिटिव में आया, नेगेटिव -0.08 तो नहीं आ रहा ना, तो इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या आपको बात समझ में आई, हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में 0.15, है ना, तो इसको क्या करो 0.15 पुट करो, ठीक है, माइनस करो 1/4 cos pi by 8 मतलब 0.9, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.15 माइनस करो किसके साथ में, इसके साथ में आप माइनस करो ये कितना आ जाएगा, देखो 9/4 कितना होता है, 8/4 होता तो 2 होता, 9/4 है तो 2.25 होगा, राइट, तो ये आ जाएगा 0.225 इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आपको बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो आप, क्या ये इस तक पहुंच सकता है, इस तक नहीं पहुंचेगा, देखो एक तरफ है -0.2 something और एक तरफ है -0.15, ठीक है, मतलब कि आप अगर 0.22 को माइनस करते हो 0.15 के साथ में तो ये आएगा आपका, हालांकि एक बात बताऊं, इसको 0.15 भी मत लो, इसको 0.17 लो, क्योंकि आपने
35 को आप डिवाइड लगा रहे हो ना, है ना, 35 से भी थोड़ा सा ऊपर है, तो आप इसको 0.18 ले लो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा हमारे पास में 18 के आसपास, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, क्योंकि ये 3536 के आसपास है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से 18 के आसपास। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4, है ना, 0.04 मिलेगा आपको माइनस में, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पर बड़ा है प्लस वाले से, तो माइनस 0.04 मिलेगा ज़्यादा प्रिसाइज अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये भी इससे दूर है, हालांकि बहुत क्लोज आ गए हम लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूर ही है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और देख लो यार, सी ऑप्शन देख लो, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये बहुत क्लोज है, तो आप इसको होल्ड पे रख सकते हो, यू कैन कीप दिस एट होल्ड, ठीक है, होल्ड पे रख लो। अच्छा, अब m को कैलकुलेट करो, m क्या है, m हमारे पास में क्या है, cos स्क्वायर पाई बाई 16, तो cos पाई बाई 16 है 0.9, इसका स्क्वायर करेंगे 9 9 81, तो ये कितना आएगा 0.8 के आसपास आ जाएगा। और sin पाई बाई 8 का होल स्क्वायर करना है, तो sin पाई बाई 8 का स्क्वायर करोगे तो ये 0.3 का स्क्वायर 0.09, तो माइनस करोगे 0.09 के साथ में, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये रफली कितना आएगा 0.71 के आसपास, ठीक है ना, ये कितना आएगा 0.71 के आसपास आ जाएगा m की वैल्यू। क्या आपको समझ में आ रही है, 0.8 माइनस 0.1 0.7 के आसपास, ठीक है ना। तो ये आपका जो वैल्यू m का 0.7 के आसपास है। अब आप उसको ऑप्शंस में चेक कर लो, 1/4√2 कितना है, ये अपना है 0.18, है ना, जो हमने यहां पर लिया था, प्लस 1/4 × cos π/8 cos pi by 8 कितना है, cos pi by 8 अगेन हमारा 0.9 था, 0.9, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.18 प्लस 0.9/4, मतलब कि 0.225, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये रफली कितना हो जाएगा 0.4 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, है ना, ये भी रफली 0.2 है, ये भी रफली 0.2 है, ये थोड़ा सा 0.2 से ज्यादा है, थोड़ा सा 0.2 से कम है, तो ऐड करोगे तो ये 0.7 नहीं पहुंच रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन चेक कर लो फटाफट, तो ये 1/2√2 है, मतलब कि ये 0.35 है ना, 0.35 है, प्लस करेंगे हम लोग हाफ के साथ में cos pi by 8, मतलब कि 0.9, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.35 प्लस 0.9/2, ये हमारे पास में हो जाएगा 0.45, ठीक है ना, 0.45 तो ये कितना हो जाएगा, ये रफली 0.8 के आसपास हमारा आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, तो ये बहुत क्लोज है इसके, ये बहुत क्लोज है हमारे इसके, ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास में बहुत क्लोज है। एक चीज और हमने समझा था कि ये जो cos 11 की वैल्यू थी, cos 22 0.9 था, और cos 11 0.9 से भी थोड़ा बड़ा होगा, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्योंकि cos 01 होता है cos 30 डिग्री, देखो आपको मैं दिखाता हूं, cos 0 डिग्री होता है 0, cos 30 डिग्री होता है 0.85, तो आपको फील आ रहा है कि cos 22.9 के आसपास होगा और cos 11.9 से भी थोड़ा बड़ा होगा, क्या आपको फील आ रहा है, हमने तो 0.9 लिया है लेकिन वो 0.9 से भी थोड़ा बड़ा होगा, 0.95 के आसपास हो सकता है, राइट। तो अगर हम उसको स्क्वायर करने जाएंगे तो वो जो हमने यहाँ पर 0.8 लिया है ना, वो उससे भी बड़ा आएगा, राइट, क्या आपको बात समझ में आ रही है ना, बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर हम यही चीज देखो, आपको मैं समझाता हूं, अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81 आता है, अगर मैं 9.5 का स्क्वायर करूं तो पता है क्या आएगा, आपका ये आएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा आपका 90.25 के आसपास आ जाएगा, करके देख लेना आप, 95 × 95 करो, 5 5 25, 9 5 45, 46 47, 9 5 45, 4 81 85, तो ये आ गया 5 12 10 90, 90 के आसपास आ रहा है अगर मैं 9.5 ले लेता हूँ। तो ये जो हल्का सा डिफरेंस है ना, ये 0.9 और 0.9, अगर मैं इसको 0.95 लेता हूँ तो ये जो है हमारे पास में, इसमें 0.1 बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, ये 0.9 हो जाएगा, और जब हम माइनस करेंगे तो ये 0.8 आएगा और वो हमारा इससे काफ़ी क्लोज हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। आप में से बहुत सारे बच्चे बी और डी में कंफ्यूज जरूर हो सकते हो, लेकिन अगर आपका अवेयरनेस थोड़ा हाई है तो आपको फील आ रहा होगा कि डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हाँ, आप बी भी मार्क कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यार एकदम 100% बी नहीं होगा, बट देखो हमको फील आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है, एटलीस्ट वी आर वेरी श्योर कि हमारा ए आंसर नहीं है और सी आंसर नहीं है, बी हमारा क्लोज था और डी हमारा कुछ ज्यादा ही क्लोज था, तो जो ज्यादा क्लोज था हम उसको यहां पर मार्क कर देंगे और हमारा ये डी आंसर ही सही है, हमारा ये सही हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना।
ठीक है, आपको ये बात आई होप समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हमने cos square pi by 11, हमने यहाँ पर ये 0.9 लिया है, ठीक है, और यही 0.95 होगा तो ये बड़ा हो जाएगा 1 से, और वही डिफरेंस हमको आ रहा है जो हमको फील आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था और पहली बार सॉल्व किया था तो 3-4 मिनट के अंदर हो गया था। अभी मैं बोल रहा हूँ, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ताकि आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में, लेकिन जब आप खुद करोगे तो बहुत कम टाइम में ये हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही मजे से हमने उड़ा दिया था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। दोनों क्वेश्चन के लिए और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, बाकी तो बस यही बात है। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। थोड़ा सा लेंदी वीडियो जरूर बन गया है, लेकिन आई नो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है एक्सप्लेन करने में, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हो तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ट्रस्ट में, आप खुद से करके देखना। बाकी तो बस यही बात है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।